सर परिवार वालों क्या कहा, परिवार ने बड़ी बात कही है? राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी, राहुल जी, बाबा भाई आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो, बोलने दो। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? कोई कार्रवाई जी? देखिए परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी आज हाथरस के पीड़ितों से उनकी मुलाकात हुई है, एक एक का हालचाल जाना है, किस तरह से दुर्घटना हुई, क्या दिक्कत सामने आ रही है। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस वक्त जो हाथरस के पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत है। मुख्यमंत्री से उन्होंने अपील की है कि इन्हें जल्द से जल्द जो मुआवजा है, मुआवजे की राशि है, वो दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सारे परिवारों से यही बात हुई कि उनके परिवार के लोग कैसे थे, क्या थे, कैसे ये हादसा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए इन पीड़ित परिवारों को। आज सुबह पहले अलीगढ़ गए, वहां पर मुलाकात हुई है, फिर हाथरस पहुंचे हैं, वहां पर भी मुलाकात हुई है पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी की। और राहुल गांधी आज तड़के इन लोगों से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी से भी जो हाथरस के पीड़ित हैं उन्होंने अपनी अपनी परेशानी बताई कि किस तरह से वो वहां पर पहुंचे थे, हादसा हुआ, हर बात को उन्होंने राहुल गांधी के सामने रखा। और राहुल गांधी ने अब मुख्यमंत्री से अपील की है कि देखिए जो भी मुआवजा देना है वो 2-4-6 महीने बाद देने से अच्छा है कि इस वक्त दीजिए, क्योंकि जरूरत हाथरस के पीड़ितों को इस वक्त मुआवजे की ज्यादा है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, राहुल को हमने देखा कि किस तरह से वो पहले अलीगढ़ गए, वहां पर बातचीत की है, अब हाथरस पहुंचे हैं, वहां पर भी पीड़ितों से बातचीत की, उनके परिवार वालों से बातचीत की, और उनका यही कहना है कि मुआवजा अगर सरकार को देना है तो तुरंत दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी ज्यादा जरूरत है इन पीड़ित परिवारों को इन मुआवजों की। हिमांशु आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल जी। हिमांशु, और क्या कुछ कहा राहुल गांधी, क्योंकि जो मीडिया के सामने वो आए उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जो मुआवजा है जल्द से जल्द दिया जाए क्योंकि पीड़ित परिवारों को इस वक्त मुआवजे की ज्यादा दरकार है। और क्या कुछ राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे, किस तरह से मुलाकात हुई परिवार से, और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें इस समय मुसी पार के बाहर मौजूद है और यहीं पर पीड़ित परिवार से मिले थे राहुल गांधी, और जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब हुए उसके बाद उन्होंने तमाम चीजों पर लेकर सरकार को घेरा भी है। पहला इसमें मुआवजा है, मुआवजा दिल खोल कर देना चाहिए, पीड़ित परिवार है, जल्द से जल्द दिया जाए, ये बात रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन का फेलियर बताया गया उनके द्वारा कि मौके पर जो व्यवस्था थी वो उचित नहीं थी, ठीक नहीं थी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। और जिस तरीके से मुआवजे की बात है, खासतौर पर उन्होंने मुआवजे पर फोकस रखा है और मुआवजा जो है उन्होंने कहा वो बेहद कम है, मुख्यमंत्री को दिल खोल कर मुआवजा देना चाहिए और जल्द से जल्द दिया जाए। फिलहाल पीड़ित परिवार को ढांढस बताया और ये इंडिया गठबंधन उनके साथ है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस समय मुखर और इसका पॉलिटिसाइज भी हो रहा है और लिहाजा इस तरीके की बातें भी हो रही हैं, लेकिन एक तरफ पीड़ित परिवार से आज अलीगढ़ और अब हाथरस में मिले हैं राहुल गांधी जो सदन के नेता हैं विपक्ष के। फिलहाल वो यहां से निकल गए, करीब 20 से 25 मिनट तक वो यहीं पर रहे और आपको बता दें कि जो परिवार है
वो उसको से मुलाकात की, उन्होंने ढांढस बंधाया और तमाम जो राहुल गांधी क्या वहां से निकल गए हैं, और निकल गए हैं तो जिन परिवारों के साथ राहुल की बातचीत हुई है, क्या उस परिवार से बातचीत हो सकती है क्या आपकी? बिल्कुल, देखिए जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अंदर मीडिया का जमावड़ा है पूरी तरीके से और यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई हुई है। फिलहाल अंदर कोशिश करते हैं अंदर जाने की, और जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पे करीब 20 से 25 मिनट तक बात करें तो वो मौजूद थे, और अब देखेंगे आप कि यहाँ पे मीडिया पर्सन है, एक बार कोशिश करते हैं किसी से बात करने की और क्या कुछ कह के गए, ये सब पीड़ित परिवार हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आप कोशिश करिए, तब तक ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आज सुबह सुबह पहुंचे पहले अलीगढ़, हाथरस के पीड़ितों से पहले अलीगढ़ में राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, उसके बाद हाथरस पहुंचे, हाथरस में भी पीड़ित परिवारों के साथ राहुल गांधी ने काफी देर तक बातचीत की, और जब मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी हुए हैं तो उन्होंने कहा कि मुआवजे में देर नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, यही उनकी मांग है सरकार से, और मुआवजे में देरी ना की जाए क्योंकि पीड़ित परिवार को इस वक्त मुआवजे की ज्यादा दरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से यह हादसा हुआ, इस हादसे पर तुरंत योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तमाम बातें आज राहुल गांधी ने रखी है अपनी तरफ से मीडिया के सामने आकर। हिमांशु, बात हो पा रही है क्या? उनको बढ़वा देंगे। आपकी सास की मौत हुई है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? तो ओममती जी, जो सास है उनका नाम क्या था? उनको नाम है ओममती। उनकी मौत हुई है? हाँ। तो आप लोगों की क्या मांग थी राहुल जी? मेरा नाम राधा देवी। ठीक है, आप लोगों की क्या मांग थी? हमारी तो कुछ मांग नहीं है, हम जो कह रहे हैं हमारे जो देवर हैं उन्हें कुछ कलवा नौकरी वोकरी करवा दो, अकेले वही है, 6 बहन है उनकी। अच्छा, शादी नहीं हुई है अभी। परिवार में कौन खत्म हुआ? सास। कितनी उम्र थी उनकी? हती कोई 55 के लगभग। तो राहुल गांधी सबसे मिले थे इस दौरान, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? इनसे बोले हैं देवर से। क्या? अभी तो इन्हें पता है। कहाँ है देवर आपके? भैया भैया भैया, देखिए ये तमाम परिवार के लोग हैं यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग हैं, राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है, हालांकि जो परिवार है उनकी, राहुल गांधी ने सबकी प्रीत पूछी, बस यही पूछा गया, प्रीत सबसे बातें की और कुछ कहा, उन्होंने जो होगा देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। की बात हुई या परिजनों आपके? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या उन्होंने कहा? यहाँ आए काफी देर तक बात कर रहे थे आप लोगों से? सभी से बात कर रहे, सबकी सुन रहे थे, सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे, जो भी बात होगी आपकी देखते हैं जो क्या होगा। पीड़ित है तो उन्होंने यही आके पूछा कि आपके घर से कौन जाता है, तो मैंने हम तो कभी जाते ही नहीं है, हमारी माता ही जाती थी, मैं हम तो उनसे ही मना करते हैं, हम मानते ही नहीं किसी को, मैं किसी को मानते ही नहीं हूँ, मैंने कि हमारी माता ही कैसे इनके साथ जाती आती थी, चलेगा। उन्होंने कहा ये भी कहा कि संसद में उठाएंगे इस पूरे मामले के? नहीं नहीं, बोलते हम जो भी बात होगी कर लेंगे भाई, आपकी बात है सारी उठाएंगे वहाँ से। जी जी जी, नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, क्या नाम है? मानते हैं बाबा ही आरोपी है, दोषी है, क्योंकि अगर व्यवस्था ठीक रखवाता तो नीचे वाले की गलती नहीं है, ऊपर में जो बाबा बैठा था उसकी भी बड़ी गलती थी। जो बाबा बैठा बाबा ही गलती है, हम इस बात को मानते हैं कि बाबा ही गलती है। अगर जहाँ 500 आदमी है और मात्र 2000 आदमी कमरे में बंद कर दिया जाए तो मैं भागदार होगी, तो मेरे को आर्थिक मदद मिले, बहुत गरीब लोग हैं, और जो फायदा इनको आज मिल जाएगा उसका मतलब होता है। आप 6 महीने बाद कुछ भी देते रहे उससे क्या मतलब है? इमरान भाई, सुभाष चंद्र, आपकी माता जी का नाम क्या था? मम्मी का नाम मुनी देवी है। देखिए हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी आपके पास आए थे, एक सेकंड, राहुल गांधी जब आपके पास आए थे आप लोगों ने क्या बातचीत की है? राहुल गांधी जी आए, बातचीत हुई, बस जो अपनी हमारी माँ के बारे में पूछा कि कैसे आपकी माँ की मृत्यु हुई, कैसे नहीं हुई, उसे हमने बताया कि माँ की मृत्यु हुई, जहाँ हमारी माँ के सबकी माँ की मृत्यु हुई है, बहन बेटी की मृत्यु हुई है, वो दब दब के हुई है, जिसके कारण बाबा है। क्या आश्वासन दिया राहुल गांधी ने अपनी तरफ से? आश्वासन क्या दिया, हम लोग इसके लिए हम संसद में आवाज उठाएंगे, और जो भी रात को उसकी राशि है हम चाहेंगे कि वो आपको दूनी मिले, इस वजह से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो होगा हम संसद में आवाज उठाकर जो करेंगे।
तो माँ रेगुलर जाया करती थी सत्संग? माँ रेगुलर नहीं जाती थी, ये अभी तो 1.5-2 साल बाद गई थी, रेगुलर नहीं गई थी। जब उनकी इच्छा होती थी 2 साल तक नहीं जाती थी, 3 साल तक नहीं जाती थी, जब मन में आती जब चली जाती थी। तो जिस तरीके की बातें हैं कि वहाँ से धूल चरणों की धूल और फूल और पानी लेके आते थे लोग, तो माँ लाती थी घर में? नहीं नहीं, मैं माँ कभी नहीं लाई। कभी बात की कि सत्संग में क्या बताते हैं भोले बाबा सूरजपाल? सत्संग में बताते हैं कि भोले बाबा का जो नल का पानी है वो गंगा जल की तरह है, फलाना है ढीका है, ऐसा मतलब उनसे बताते हैं, पर हम नहीं मानते इस बात को। क्या माँ का नाम क्या था और कितनी उम्र थी लगभग? मेरी मम्मी की नाम मुन्नी देवी है, 60 साल की लपेटा में थी उनकी, मतलब उम्र तो ध्यान नहीं, पर मुन्नी देवी नाम है मेरी माँ का। माँ मिली कहाँ थी आपको, कैसे पता चला घटना के बारे में? जब हम तो घर से बाहर चले गए थे, जो साथ में गए हुए थे, जब उनकी उन्होंने अपनी माँ का सब देखा तो उन्होंने कॉल की कि स्वास्थ्य तुम्हारी माँ और हमारी माँ दोनों ही खत्म हो गई, किसी ने कॉल की। हम तुरंत यहाँ से सिकंदराव पहुँचे तो माँ बॉडियों को लाशें के ढेर लगे हुए थे, माँ मोह धो धोकर लाशों को पहचाना जा रहा था, कौन सी लाश कहाँ है, किसकी है किसकी नहीं है, और फिर भी एम्बुलेंसों में उस तरह से भरी जा रही थी जिसका कोई जवाब नहीं। जब हमने हमारी मुझसे छोटा भाई मुझसे पहले पहुँच गया तो उसने पहचान लिया था, फिर हम अपनी माँ को जब लेके आए हाथरस हाथरस मेडिकल हॉस्पिटल में लाकर हमने उन्हें भर्ती कराया। जब उसके क्या मानते हैं जिस जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें व्यवस्था की कमी थी, बाबा की कोई गलती है ऐसा मानते हैं जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे हैं? बाबा की गलती है, व्यवस्था की कमी है। जब हमने आपसे कह दिया कि जब 100 आदमी की जगह मैं 500 घुसा होगी तो मैं भगदड़ होगी होगी, और कोई व्यवस्था है ही नहीं है तो फिर मैं भगदड़ तो होगी, तो इसमें कमी मानते हैं। बाबा तो भागे हुए हैं अभी? बाबा तो भागे हुए हैं, उनका तो पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है बाबा, किस वजह से भागे हैं अब हमें क्या मालूम किस वजह से भागे हैं। क्या लगता है कि आपको बाबा को वापस आना चाहिए था या सामने आना चाहिए था, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था? बाबा को वापस आना था, पीड़ित परिवार से जो मृत्यु परी हुई तो उनको उनके अपने भक्तों से कहकर उनके उनको सही कराना था, जैसे कि हॉस्पिटल में पहुंचाना सुविधा करानी थी, वैसे उस तरीके से कराना था, पर ना बाबा है ना कोई हो, मुझे तो आप चले गए, जो मर रहा है मरने दो, हम तो चलने दें। क्या मानते हैं बाबा दोषी हैं? हाँ बाबा दोषी हैं। परिवार से आप कोई भविष्य में जाएगा सत्संग में? हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते, नहीं मानते नहीं, हम जाते हैं। आपका नाम क्या भाई, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र, आपके यहाँ किस? जाहिर तौर पे देखिए तमाम परिवार के लोग हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार जो पीड़ित परिवार हैं, यहाँ पर 4 फैमिलीज थी, उनके तमाम लोग थे, उनसे बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि संसद में उनका ये मुद्दा उठाएंगे और जल्द से जल्द जिस तरीके से ये पीड़ित परिवार को न्याय मिले और साथ ही मुआवजा मिल जाए इसका ख्याल रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील भी की है उन्होंने कि जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द मिले और दिल खोलकर मुआवजा दिया जाए। कैमरामैन नरेश के साथ मंशु शुक्ला, न्यूज 18 हाथरस। बिल्कुल, तो कल तक जिस बाबा पर अंधविश्वास किया करते थे ये भक्त, आज उसी बाबा के लिए कह रहे हैं कि जिस बाबा के लिए हम अपना पूरा प्यार निछावर करते थे, उनके प्रति श्रद्धा थी, वो हमें इस हालत में छोड़कर भाग गया। पीड़ितों का यही कहना है, पीड़ित परिवार का यही कहना है कि बाबा तब एक बड़े बाबा कहलाते जबकि वो आते, हमारे इलाज का सारी खर्च चीजें उठाते, हमें देखते, तब समझ में आता, लेकिन वो बाबा तो भाग गया, उस बाबा का कुछ अता पता नहीं है। अब हमारा विश्वास इस बाबा पर नहीं है, तो आप समझिए कि किस तरह से ये जो भक्त हैं बाबा पर विश्वास करते थे, लेकिन बाबा ने इतने बड़े हादसे का को जन्म दिया, उन्हीं की ये सत्संग में ये सब कुछ हुआ, और आज ये पीड़ित परिवार गमगीन है। राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचे हैं, सबसे मुलाकात की है, और आश्वासन भी अपनी तरफ से राहुल गांधी ने दिया।